की रगड़ है। रावण कुंभकर्ण बना और दंत वक्र शिशुपाल बने। कथा सुनी थी कि हिरण्याक्ष को भगवान ने निपटा दिया नहीं, जब पृथ्वी लेके आ रहे थे तो गोविंदा नमो नमा कर दिया था और कहा राजा ना उनके भैया है शिशुपाल, शिशुपाल उनके भैया है हिरण्यकश्यपु। तो कहने लगे महाराज हिरण्यकश्यपु ने और वैर गुरुकुल में पढ़ा करते थे। हिरण्यकश्यपु ने बुलाया घर पे कि बेटा बताओ गुरु जी ने तेरे को क्या पढ़ाया। कहने लगे महाराज, प्रहलाद जी कहने लगे कि महाराज मैंने तो यही देखा है और यही समझा है कि इस जगत में अगर जीव का कोई सच्चा हितेशी है तो वो है गोविंद, वो है नारायण, वो है भगवान। और अब की बार महाराज जब ऐसा कहा तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को नाना प्रकार के दुख दिए, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर से गिराया, कारागार में बंद कर दिए, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, कभी महाराज अग्नि में जलाने का प्रयास किया, लेकिन संत कहते महाराज जाको राखे साईया और बाल न बांका हो। भगवान से जिसकी लगन लग जाए महाराज फिर बात ही क्या है। प्रहलाद जी क्या हुआ महाराज, एक रोज आश्रम में बैठे और कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। प्रहलाद जी मन में विचार करते हैं कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी, मुझको ये मानव देह दिया, ये शरीर दिया, लेकिन भगवान जाने कब मिलेंगे मुझको। और प्रहलाद जी तो महाराज अपना तन मन धन सब कुछ भगवान के नाम कर बैठे थे। और जो भगवान से जिसकी लगन लग जा लगन भगवान में उसका दिया तुम जले नहीं, बस शर्त यही है कि लगन सच्ची होना चाहिए। प्रहलाद जी की लगन, लगन तुमसे लगा बैठे। ईमानदारी से बताना कौन कौन की लगी, सुना हो जा तो कहो भगवान से लगी, घर में घर जाकर घर वालों से कहो तुमसे लगी, हम वहां फैसी बोल रहे नहीं। लेकिन एक बार जरा प्रेम से बोलो कन्हैया, माना हमें लाख बुराइयां हैं, अब गुण की खान है हम।